brought to you by Techno Camon 30 series. न्यूज तक की टीम आ पहुंची है मंडी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ के वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार स्टूडेंट्स के मन में क्या है, युवा क्या सोचते हैं और यहाँ के कैंडिडेट्स को लेकर, यहाँ की पार्टियों को लेकर क्या कुछ इनके मन में और यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं उनके। सबसे पहले आप बताइए, आप वोट करने जाएंगे, 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है, किस तरह के मुद्दे आपके रहते हैं, मतलब क्या सोचकर आप वोट करते हैं? सबसे पहले तो मैं जिन मुद्दों के ऊपर बात करूँगा तो सबसे पहले है एजुकेशन, हेल्थ केयर और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट। ये इन तीनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अभी डेवलपमेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी पिछले गली में हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में मतलब अब जो पर्ची काटने का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, अब वो डिजिटली हो चुका है। तब उसमें क्या हो रहा है कि अब हमें अगले दिन चेकअप कराने के लिए पिछले दिन पर्ची काटनी पड़ रही है। मतलब अगर आप डिजिटली और ज़्यादा बढ़ रहे हो तो स्पीड और ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि पहले तो पर्ची जब कटती थी तो एक दिन के अंदर सबकी पर्ची कट जाती तो हमारा चेकअप भी हो जाता, लेकिन अब डिजिटल हो चुका है तो पिछले दिन काटो और अगले दिन पर्ची होगी। अगर डिजिटल हो रहा है तो और ज़्यादा स्पीड फास्ट होनी चाहिए, एक दिन की जगह आधा दिन लगना चाहिए। अब मुझे बैक पेन थी उतनी सी बैक पेन के लिए अब मैं मतलब एक दिन वेट थोड़ा करूँगा। कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा बीमार होगा वो तो मर भी जाएगा। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो आजकल एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे हमारे जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, वैसे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट का। हाँ जी, तो इसके अंदर हमारे को मतलब बिजनेस के बारे में पढ़ाते हैं, रिटेल सेक्टर के बारे में पढ़ाते हैं, तो ऐसे कोर्सेज और ज़्यादा खुलने चाहिए ताकि जो बच्चों की स्किल है वो ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हम खड़े हुए हैं तो हम सब की जो जॉब है वो 100% लगेगी किसी न किसी बढ़िया ब्रांडेड शोरूम के अंदर। हर एक बंदे के पास स्किल होगी तो वो कुछ ना कुछ मतलब अपनी कमाई का सोर्स उसके पास होगा। लेकिन अगर जस्ट सिर्फ दूसरे कोर्सेज के जो मतलब जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं BA, BSc, BA, MA, अब उसमें क्या होता है कि बच्चा जब कुछ कर नहीं पाता तो फिर वो घर में बैठा रह जाता है, तो ऐसे कोर्सेज को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर जो क्या बच्चे को ऑलमोस्ट स्किल तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी को स्किल होती है तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और फिर उसका जो तीसरा है वो एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होनी चाहिए, इन द सेंस कि भी पिछले गली में देख रहा था कि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1500 करियर ऑप्शंस होते हैं, 1500 करियर ऑप्शन में से हमारे को इंडिया में कितने पढ़ाए जाते हैं? दो तीन ही पढ़ाए जाते हैं, या तो बेटा तू इंजीनियर बन जा, या तो तू डॉक्टर बन जा, या तो MBA या कुछ और कर ले, उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है इतने ज़्यादा। अब आप देखिए हमारे कॉलेज में ही हम BA कर रहे हैं लेकिन हमारे बारे में कोई जानता ही नहीं है, या हमारे कॉलेज के लोग नहीं जानते हमारे बारे में कि BA आखिरकार क्या चीज़ है। तो कुछ मतलब ऐसे कोर्सेज स्कूल कॉलेज में भी खुलने चाहिए, स्कूल कॉलेज में भी एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए, थोड़े से क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जाकर के अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से बढ़ती है। इसी वजह से इस तरह के कोर्सेज की बहुत ज़रूरत है ताकि कोर्स करते ही तुरंत आपको नौकरी मिले, प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है आपके हिसाब से। हाँ जी, ठीक है, आपके पास हम वापस आते हैं, थोड़ा सा गर्ल्स से उनसे बातचीत करते हैं। आप थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर दो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक तरफ BJP से कंगना रनौत हैं और कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह हैं, तो दोनों कैंडिडेट में आपको कौन सा बेटर लगता है? विक्रमादित्य सर भी ठीक है और कंगना रनौत भी ठीक है, बट हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे लिए जो भी आगे खड़े वो मतलब आगे मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको ठीक करे, जैसे वो कहते हैं कि वो सड़कों को ठीक कर सकते हैं, गांव की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, सोलर लाइट्स नहीं होती, तो कई लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, कई बसेस नहीं कर पाते, कई बार पैदल चल कर आना पड़ता है, तो वो हम चाहते हैं कि भाई वो ठीक करें उन चीज़ों को, ताकि जो आगे आ रहे हैं लोग उनको भी दिक्कत ना हो, चलने फिरने को भी दिक्कत ना हो, और क्या कहते हैं जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं पानी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि सबके लिए बेटर। अच्छा ये बताइए, आप PM बनते किससे देखना चाहते हैं? PM मोदी सर भी ठीक है। ठीक है, अच्छा इंडिया लाइन से अगर राहुल गांधी को PM बनाया जाए तो वो भी अच्छी है, लेकिन क्या कहते हैं इस बार लगता है कि अगर राहुल सर बनते हैं तो सभी की मतलब डिमांड है, सभी की डिमांड है मैक्सिमम, जहाँ तक कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रहती हूँ, अच्छा, कुछ भी, तो वो राहुल सर को भी ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं, मतलब उनकी चीज़ों को, मतलब अगर उनको बनाया जाए तो क्यों? बिकॉज मतलब देखा उनको वीडियोस में ऐसे, मतलब कई बार वो ठीक बातें करते हैं, मतलब बातें वो ठीक करते हैं, मतलब समझाने की करते हैं, मतलब एक होता है कि मतलब कोई गरीब आदमी है
मतलब जब क्या कहते हैं वो किसी मतलब सर के पास आता है तो ऐसा होता है कि बॉडी गार्ड्स होते हैं जो वो उन्हें धक्का मार देते हैं, लेकिन कई जगह पे उन्हें देखा है कि वो मतलब उनको धक्का मार नहीं देते हैं, मतलब उनको अपने पास लाते हैं, उनसे बात करते अच्छे हैं, से मिलते हैं मतलब उनसे मिलते हैं, कईयों की बातों को समझते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में करते हैं बात कंप्लीट करते हैं, तो इस रिगार्डिंग राहुल सर का भी हो सकता है, राहुल सर भी बन सकते हैं। ठीक है, आप बताइए आप पहली बार वोट करने जाएंगे, इससे पहले किया है कभी? नहीं, पहली बार। पहली बार करेंगे, अच्छा तो क्या है मन में, मतलब क्या देखती हैं कि आपके जो एरिया है, ये लोकसभा जो क्षेत्र है मंडी, यहाँ के कैंडिडेट आप देखेंगी या फिर पार्टी देखेंगी कि बीजेपी ठीक है या कांग्रेस ने काम किया है, या फिर आप पीएम फेस देखती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके लिए वोट करना है, या किससे पीएम बनते देखना चाहती हैं, क्या सोचकर वोट करेंगी? नहीं, मतलब जो हमारे एरिया में जो अच्छा काम करेंगे, जो मतलब आगे जिसको हम वोट दे हो हमारी डिमांड्स पूरी करे, मतलब अच्छे से पूरा वो करे, ऐसा नहीं है कि भाई पीएम मोदी है तो हम यहाँ पे भी बीजेपी लाए, मतलब जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट दें। कैंडिडेट आप देखती हैं, तो कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगी यहाँ पे जो दोनों कैंडिडेट हैं, कंगना विक्रमादित्य सिंह? वैसे दोनों ही ठीक है, मैं नहीं बोलती कि एक पार्टी अच्छी है कि मतलब दोनों ही, तो आपको एक को करना पड़ेगा। मतलब मैं बीजेपी को दूंगी, कंगना को। कंगना को देंगी, क्या अच्छा लगता है उन्हें, क्यों मतलब क्यों कंगना की? मतलब अच्छा तो क्या ही लगता है, मतलब वो कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो भी कर सकते हैं विक्रमादित्य, ऐसा नहीं है, मतलब पर मैं कंगना को दूंगी, मेरे को वो ज़्यादा। कोई नहीं, टेक योर टाइम, आराम से सोच के दीजिएगा वोट, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है वोट। आप बताइए आप किससे वोट करेंगी और क्यों? मैं कंगना को वोट करना चाहती हूँ क्योंकि उनमें जो है वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो हम मुझे लगता है कि वो अपने मुद्दे, हमारे जो मुद्दे हैं उन पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकती हैं और हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो ही सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस मतलब बोलती है, मतलब कांग्रेस जो है मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि बोलती है लेकिन होते नहीं है उनके वादे पूरे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हुई हैं लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं कांग्रेस की, इसलिए कंगना रनौत को। ठीक है, आप बताइए आप पीएम बनते किससे देखना चाहती हैं? मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है उनके लिए, पर आई गेस अगर मोदी जी बने तो ही स्टिल बेटर देन एनीवन, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पहली बात तो, और अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और ग्राउंड लेवल तक भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितने भी साल वो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए दिख रहा है वो चीज़, तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर रहेंगे वाले। ठीक है, और मंडी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर आप किस तरह की प्रॉब्लम्स दिखती हैं, आप यूथ हैं तो आप किस तरह की, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद आप नौकरी करेंगे तो आपके पास जॉब वगैरह ये सब है कि मतलब कोर्स करने के बाद मिल जाएगा? ये तो है, पर ये है कि अभी भी मतलब हमारे यहाँ पे जो रिटेल सेक्टर है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है हिमाचल में, क्योंकि बहुत से है कि अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है हमारे यहाँ पे, तो इसको ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, पर जॉब है पर स्किल्स की ज़रूरत है उसके लिए, जैसे स्किल्स नहीं है मेन, क्योंकि स्किल्स पर कभी भी फोकस नहीं किया जाता, हमेशा ये होता है कि हाँ तुम पढ़ो ठीक है, मार्क्स लाओ, करो ग्रेजुएशन करो, वो करो, फिर बी एड करो, फिर टेस्ट निकालो, फिर सब उसी मतलब सेम रेस में चले जाते हैं सारे के सारे। बच्चों को हम देखते हैं सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन आप लोग तो प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारा मतलब ये पर्सपेक्टिव सबका रहता है कि अगर हम इसमें पर्स इसमें जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सेम एलिजिबिलिटी इसकी सेम रहती है कि थ्री इयर्स का ही कोर्स है, तो मतलब अगर आगे भी परस्यू करना चाहते तो वो मतलब कर सकते हैं, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह करना हो तो। यहाँ पर कुछ वॉइस है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, आप बताइए आपके क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव, मतलब वोट करने जाएंगे तो? अपना मुद्दा तो ये रहता है जैसे हम जहाँ पे रहते हैं मंडी में डेवलपमेंट होती रहे, जैसे कि यहाँ से कंगना रनौत और विक्रमादित्य जी खड़े हैं, अब हम तो उसी को वोट करेंगे जो अभी पीछे जैसे पानी वगैरह आया था, तो जो हमारे बीच आके जिन्होंने हमारी मदद की है हम उनकी उनको ही वोट देंगे, जैसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मंडी की बेटी है कंगना रनौत तो उनको वोट देंगे हम, तो वो हमारे बीच नहीं आई, जैसे अभी पानी वगैरह आया था, डिजास्टर वगैरह हुए थे यहाँ पे, विक्रमादित्य जी आके उन्होंने मदद की, हमारे बीच आए, जो भी हुआ मतलब उन्होंने किया अपनी तरफ से मदद जो हो सकी उनसे। और पीएम बनते आप किससे देखना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी हैं और मान लीजिए इंडिया अलायंस है उसमें अगर राहुल गांधी को बनाया जाता है तो क्या राय है आपकी पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेकर? जैसे पीएम मोदी 10 साल से है प्राइम मिनिस्टर, तो इस बार मौका हम राहुल गांधी जी को देना चाहेंगे कि कुछ क्या पता कुछ अलग करे वो देश के लिए, तो हम राहुल गांधी जी को मौका देना चाहेंगे। ठीक है, और पीछे आप लोग थोड़ा सा बताइए आप लोग पीएम बनते किससे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी क्या कारण? हमारी देश के जो देश के लिए क्या किया उन्होंने, देश को हमारे महंगाई दर भी उनके समय में बहुत कम है, महंगाई कम है अभी कम है महंगाई दर
अच्छा, आप कह रहे हैं कम नहीं है? कम नहीं है, महंगाई महंगाई है, महंगाई बहुत है। आपको महंगाई नहीं लग रही? ये सही है, किसी के लिए महंगाई है किसी के लिए नहीं है। खैर आप बताइए, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है पर नॉर्मल है। नॉर्मल है, अच्छा। जिसके पास पैसे उसे कौन सी महंगाई लग रही है? जी अब ऐसा भी नहीं है कि सारा सामान सस्ते में बेचे। अच्छा आप लोग युवा हैं, आप युवाओं को यहाँ पे रोजगार की मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास ये है कि मतलब कोर्स करेंगे तो रोजगार मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? पर्सनली हिमाचल में तो इस टाइम ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। हिमाचल की बात करूँ मतलब इस मंडी लोकसभा क्षेत्र में आप हैं, मंथली यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी आपको? नहीं मतलब नहीं बैठता अभी तो। अभी जैसे जैसे कि अभी सेंटर में हमारे यहाँ पे कांग्रेस है, मतलब उन्होंने था बताया कि यहाँ पे हम 14,000 नौकरी निकालेंगे, अभी तक उसके साथ में कोई भी टेस्ट नहीं आया है। जैसे कि इन्होंने बोलता पुलिस का आएगा, अभी वो भी नहीं आया है। ठीक है, यानी कि नौकरी की दिक्कत है। आप बताइए थोड़ा सा, आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब मंडी लोकसभा क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी कोर्स करने के बाद आपको? जी मैम मिल जाएगी। जी मैम चलो उम्मीद है। जी मैम उम्मीद है। अच्छा दूसरा बताइए, मतलब आप किससे बनते देखना चाहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। जी और यहाँ के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है, आप तो पीएम बनते उनको देखना चाहते हैं लेकिन कैंडिडेट भी क्या आप देखते हैं लोकल में कौन खड़ा है? जी मैम कंगना रनौत को हमारा वोट रहेगा। क्या मतलब क्योंकि मोदी को देखना चाहते हैं इसीलिए कंगना रनौत? जी मैम। और उनको नहीं देखना चाहते थे तो क्या आप कंगना रनौत को आप वोट नहीं देते? नो मैम। मतलब पीएम मोदी के लिए कंगना रनौत को वोट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लड़कियां पीछे क्यों शर्मा रही, थोड़ा सा इधर आइए फटाफट से। आप बताइए क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी आप बताइए, पहली बार वोट करेंगे? इससे पहले किया है? पहली बार करेंगे। तो पहला वोट जाएगा भाई इनको जो है, इनका तो क्या है आपके मन में, मतलब क्या सोच के वोट करने जाएंगी, किसे देंगी, कैसे? कंगना को। क्या कारण है? कारण वो पहली बात वो तो लड़की है, और दूसरी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हाँ हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमें मतलब आपके जो भी है मतलब उनको पूरा कर सकती है काम। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बताइए आप किससे वोट करेंगे और क्यों? कंगना को। क्या कारण? एक्चुअली मैम वो लड़की एक तो, और ये कौन सा कारण हुआ लड़की है एक तो, मतलब ये क्या है? लड़की तो आप भी, आपको वोट दे दें हम? खड़ी हो जाइए आप है? कुछ और बताइए ना, लड़कियां तो बहुत और भी एक प्रत्याशी खड़ी हैं लड़की तो यहाँ से। क्या करेंगी वो आपके लिए? अच्छा बताइए पीएम किससे बनते देखना चाहते हैं? मोदी। अब मोदी जी का बता दीजिए क्यों? एक्चुअली वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। yes. अच्छा ठीक है, आप बताइए आप किससे बनते देखना चाहेंगे पीएम? कंगना को। पीएम मोदी को? मोदी जी को। अच्छा ठीक है, तो क्या कारण है कंगना को वोट क्यों करेंगे? लड़की है इसलिए या कोई और कारण? आप बताइए। अच्छा आप किससे वोट करेंगे? कंगना जी को। आप क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि मतलब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ के जो युवा हैं इस कॉलेज के जो रिटेल मैनेजमेंट का मतलब ये प्रोफेशनल यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं, तो इन सब ने बातचीत की है तो एक मिला जुला जो है कह सकते हैं रिस्पॉन्स यहाँ पर निकल कर सामने आया। कोई देश का पीएम मोदी को बनते देखना चाहता है, तो कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी को भी एक बार मौका देना चाहिए, और कंगना को लेकर भी आपने यहाँ पर व्यू सुने, और विक्रमादित्य सिंह को भी लेकर लोगों ने कहा कि बच्चों ने कि वो जो है आपदा आई थी तो उनके बीच आए थे, लेकिन जो कंगना यहाँ की जो मंडी की बेटी कहती हैं लेकिन वो उनके बीच नहीं आई, इसलिए थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पर कुछ लोगों में ज़रूर देखी गई है। मंडी से न्यूज़ तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।